Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग National Institute of Open Schooling का secondary course Social Science Book 2 का Module 3 Democracy at Work Lesson 17 India a Welfare State जो कि Civics का chapter है, आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन 17 व्हिच इज इंडिया अ वेलफेयर स्टेट. सो लेट्स स्टार्ट. रामकृष्णन एंड हिज फ्रेंड अब्दुल हु वर कमिंग फ्रॉम चेन्नई गॉट डाउन एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. व्हाइल दे वर क्रॉसिंग द रोड टू हायर अ टैक्सी, रामकृष्णन वॉज हिट बाय अ साइकिल रिक्शा. He was immediately admitted in a government hospital for treatment, where Dr. Nirmala handled his case. Worried Abdul phoned Ramakrishnan's uncle and informed his own family also. After about an hour, Dr. Nirmala told Abdul that there was nothing to worry as Ramakrishnan had no serious injury. By then, Ramakrishnan's uncle also reached and Ramakrishnan was discharged. Abdul noticed that the doctor did not charge anything for her medical advice and charged nominally for the medicines. He asked Ramakrishnan's uncle how it was possible. The uncle, who is a teacher, told that in a country like India, which is a welfare state, all this is the responsibility of the government. Now, Abdul was confronted by a basic question. What does a welfare state mean? रामकृष्णन और उसका दोस्त जो अब्दुल थे, वे लोग चेन्नई से आ रहे थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास. तब जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे और वो उन्होंने एक टैक्सी को हायर किया, तो जो रामकृष्णन है उन्हें साइकिल रिक्शा से चोट लग जाती है और उन्हें तुरंत एक सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया जाता है, जहां पे डॉक्टर निर्मला उनके केस को हैंडल करती है. अब्दुल चिंता में पड़ गए और उन्होंने रामकृष्णन के अंकल को कॉल किया. इसके बाद अपने फैमिली को भी इन्फॉर्म किया. एक घंटे के बाद डॉक्टर निर्मला बोलती है अब्दुल से कि रामकृष्णन को सीरियस इंजरी नहीं हुई है. इसके बाद रामकृष्णन के अंकल भी वहां पे आ जाते हैं और रामकृष्णन को डिस्चार्ज किया जाता है. अब्दुल नोटिस करता है क्या कि जो डॉक्टर है उन्होंने अपने मेडिकल एडवाइस के लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया है और जो नॉर्मली जो मेडिसिन होते हैं उसके लिए चार्ज किया है. तो अब्दुल अपने रामकृष्ण के अंकल से पूछता है कि ये संभव कैसे हुआ, मतलब ये पॉसिबल कैसे हुआ. तो अंकल एक टीचर थे, वो बताया कि जो भारत है वो एक वेलफेयर स्टेट है और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो अब जो अब्दुल है उसके पास एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है. You may also have come across this term while going through newspapers or magazines or watching a discussion on television. You might have noted that whenever India is described as a welfare state, there is a reference to directive principles of state policy. Why? Like Abdul, you may have a number of questions in the lesson, analyze and understand all the important facts of India being a welfare state. तो आप जब भी कभी न्यूज़पेपर देखे होंगे, मैगजीन्स देखे होंगे या फिर टेलीविजन पे डिस्कशन देखा होगा, तो आप ये वेलफेयर स्टेट के टर्म से जरूर रूबरू हुए होंगे. आपने नोट किया होगा कि जब भी इंडिया को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ वेलफेयर स्टेट, तो वहां पे रेफरेंस दिया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का. तो ऐसा क्यों होता है? तो अब्दुल के जैसे आपके पास भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे. तो इस लेसन में हम लोग पहले उस जो भी क्वेश्चन उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद जितने भी वेलफेयर स्टेट के बारे में इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज अ वेलफेयर स्टेट? द बेसिक क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज अ वेलफेयर स्टेट दैट बॉर्डर अब्दुल needs to be answered. As we have seen, India is described as a welfare state. There are a number of other nations in the world
which are also described as welfare states. Why are they called so and others are not? What is the meaning of the term welfare state? It is a concept of government in which the state plays a key role in the protection and promotion of economic and social well-being of its citizens. A welfare state is based on the principles of equality of opportunity and equitable distribution of wealth. It also focuses on the governmental responsibility for those who are unable to avail themselves of the minimal provisions of a good life. Under this system, the welfare of its citizens is the responsibility of the state. India was not a welfare state before independence. The British rule was not very interested in protecting and promoting the welfare of the people. But whatever it did was in keeping with the interests of the British colonial government and not in the interest of the people of India. तो एक बेसिक क्वेश्चन है वो क्या है कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है जो अब्दुल को चिंतित किए जा रहा था और उसकी आंसर भी जरूरी थे. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंडिया को एज अ वेलफेयर स्टेट डिस्क्राइब किया जाता है तो यहाँ पे ऐसे पूरे विश्व में बहुत सारे राष्ट्र है, बहुत सारे देश है जिसे एज अ वेलफेयर स्टेट भी डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन और भी कई ऐसे राष्ट्र है जिनको नहीं भी किया जाता है. तो ये जो टर्म है वेलफेयर स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो एक की रोल प्ले करता है जो भी हमारे सिटीजन्स होते हैं उनके सोशल वेलबींग में, मीन्स वो सामाजिक तौर पे कैसे होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे होगी, साथ में उनके प्रोटेक्शन और प्रमोशन का भी हमारे गवर्नमेंट ख्याल रखते हैं. वेलफेयर स्टेट इस पे बेस्ट होता है. तो जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और जितने भी वेल्थ है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें जो गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी अनेबल है अपने गुड लाइफ को जीने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेती है, और इस सिस्टम के तहत जो वेलफेयर है सिटीजन का वो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट नहीं था आजादी से पहले. जो ब्रिटिश रूल यहाँ पे ब्रिटिश का शासन चल रहा था तो जो ब्रिटिश थे वो यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए ना ही तो कोई इंटरेस्ट लेते थे, ना ही वो यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट और प्रमोट करते थे इनके वेलफेयर का. और इन इंटरेस्ट को एज अ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उन्होंने तो इंटरेस्ट रखा नहीं, इसलिए जब हमारी आजादी हुई तो इसके लिए हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट बना. व्हेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस इट हैड इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस. द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वॉज ऑल प्रिवर्सिंग. इकोनॉमिकली इंडिया सिचुएशन वॉज माइजरेबल. सोशली ऑल्सो इंडिया वॉज हैविंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. देयर वर सोशल इनइक्वालिटीज एंड ऑल द vulnerable sections of the society such as women, Dalits, children were deprived of basic means of living. The constitution makers were very much aware of the problems. That is why they decided that India would be a welfare state. As you must have seen, India is described as a sovereign, socialist, secular, democratic republic in the preamble of the Indian constitution. Accordingly, the constitution has extensive provisions to ensure social and economic welfare of the people of India. In this regard, two specific provisions have been made, one in the form of fundamental rights and the other as directive principles of state policy. जब भारत को आजादी मिली तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे थे. जो भी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी सब यहाँ पे भरी पड़ी थी, और आर्थिक रूप से जो भारत का स्थिति था वो बहुत ज्यादा दयनीय था. सामाजिक तौर पे भारत में बहुत सारे समस्याएं भरी हुई थी. यहाँ पे सामाजिक असमानताएं थी और यहाँ पे जो भी ऐसे सेक्शंस थे जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, जैसे कि जो औरत है या फिर जो दलित है, बच्चे हैं, उनको तो पता ही नहीं था कि उनका जो बेसिक मींस ऑफ लिविंग है वो है क्या. हमारे जो संविधान के निर्माता है वो पहले से ही इन समस्याओं के बारे में जागरूक थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि जो भारत है उसे वो वेलफेयर स्टेट बना के रहेंगे. और जैसा कि आप देख रहे हो कि इंडिया को हम लोग पहले से ही डिस्क्राइब कर रहे हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक.
जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा गया है, और इसके अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास एक्सटेंसिव प्रोविजन है कि वो इंडिया के वेलफेयर के लिए सोशल और इकोनॉमिक तौर पे काम करे, और इसके रिगार्ड में दो स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए हैं, एक है फंडामेंटल राइट्स और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द फंडामेंटल राइट्स embodied in part 3rd of the Indian Constitution Act as a guarantee that all Indian citizens can and will enjoy civil liberties and basic rights. These civil liberties take precedence over any other law of the land. They are individual rights commonly included in the constitutions of liberal democracies. Some of these important rights are equality before the law, freedom of speech and expression, freedom of association and peaceful assembly, freedom of religion, and the right to constitutional remedies for the protection of civil rights. But this was not enough. Indian citizens also needed opportunities for economic and social development. That is why Part 4th on Directive Principles of State Policy was included in the Indian Constitution. तो जो फंडामेंटल राइट्स थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3rd में लिखे गए थे, और ये गारंटी करता था कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो अपनी लिबर्टीज मींस अपनी आज़ादी को साथ में अपने बेसिक राइट्स को एंजॉय करेंगे। और ये जो सिविल लिबर्टीज है वो प्रेसिडेंस लेता है कि जो अलग जो लॉ ऑफ लैंड है उसको किस तरह से देखना है, और ये जो इंडिविजुअल राइट्स है उसमें कॉमनली इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज। और हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट राइट्स यहाँ पे दिए गए जो हम लोगों ने पहले से एक्सप्लेन करके पढ़ रखा है, जस्ट लाइक इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। तो हम लोग इतने राइट्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और हम लोग इसे फिर से इस चैप्टर में देख रहे हैं, लेकिन ये जितने भी अधिकार भारतीय नागरिकों को दी गई थी ये काफी नहीं था, इसलिए जो भारतीय नागरिक थे उन्हें और भी अपॉर्चुनिटीज मौका चाहिए था ताकि उनका आर्थिक रूप से विकास हो सके और सामाजिक रूप से विकास हो सके। इसलिए संविधान के पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको सम्मिलित किया गया। Now, based on your understanding, try to solve in-text questions 17.1. Well, chapter अभी complete नहीं हुआ है, next video में next topic cover up होगा, तब तक के लिए इस chapter का in-text question बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस chapter को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.